अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरियों पर अंकुश लगाते हुए वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे एक चौपहिया वाहन और दो पहिया वाहन बरामद किया गया है। वहीं इसके अन्य सदस्यों को लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए कृष्णगंज थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि शहर में बढ़ती चोरी की वारदात को ध्यान में रखते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। इस टीम ने चाकसू निवासी सोनू मीणा को गिरफ्तार किया है। सोनू ने अजमेर में दो बार वारदात करना कबूला है। वहीं सोनू से गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके और इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जा सके। जी सर, शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातें, जिनमें खासकर मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी की वारदातों को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर ने एक टीम का गठन किया, जो श्री प्रियंका रघुवंशी मैडम के निर्देशन में थानाधिकारी किशनगंज और अन्य स्टाफ को शामिल करके एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने चोरी की वारदातों पे के आसपास के कैमरे और अभिगमन सेंटर के कैमरों को देखते कर इन्होंने एक वाहन चोर गिरोह का पकड़ने में इन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिसमें अभी हमने एक मुलजिम गिरफ्तार किया, जिसका नाम सोनू मीणा है, जो विमलपुरा चाकसू का रहने वाला है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की अल्टो कार, जो अपने यहाँ मित्तल हॉस्पिटल के पास से चोरी हुई थी, वो बरामद की है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त ने एक पल्सर मोटरसाइकिल यहीं से और चोरी करना बताया है। सोनू मीणा के जो साथी अपराधी हैं दीपक पारीक और भरत है, जो जयपुर के निवासी हैं, और इन्होंने जयपुर में भी कई वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना बताया है। दीपक पारीक वर्तमान में मुहाना थाना जयपुर से गिरफ्तार होकर जैसी के न्यायिक अभिरक्षा में है, और भरत मीणा अभी फरार चल रहा है।